ऐ मेरे वतन के अंधभक्तों, जरा हाथ में भर लो पानी, फिर नाक डुबा लो उसमें और दे दो तुम कुर्बानी। धरती सुनहरी अंबर नीला, हर बाबा रंगीला, ऐसा देश है मेरा। 3 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपए में, और जोर से चिल्लाओ आएगा तो मोदी ही। किसानों का समर्थन करने के लिए आपका किसान होना जरूरी नहीं, बस इंसान होना ही काफी है। जिस प्रकार सरकार ने राफेल के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का दामन थामा था, उसी प्रकार सरकार कोर्ट की आड़ में किसानों को मूर्ख बनाना चाह रही है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, परेड में एक तरफ टैंक चलेंगे और दूसरी तरफ फैक्टर चलेंगे, वो लाठी चलाएंगे, हम राष्ट्रगान गाएंगे। समिति नहीं समाधान चाहिए, तीनों बिल निरस्त हो और MSP लीगल हो, ये प्रावधान चाहिए। सलवार पहनकर भागने वाले क्रांतिकारी थे और अपने हक के लिए कड़ाके की ठंड में डटे हुए किसान आतंकवादी हो गए। शतरंज का वजीर और इंसान का जमीर मर जाए तो खेल खत्म ही समझो। द लाइव न्यूज देश सबसे आगे। ऐ मेरे वतन के अंधभक्तों, जरा हाथ में भर लो पानी, फिर नाक डुबा लो उसमें और दे दो तुम कुर्बानी। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कन्नौज में कहा कि खुदा हैदराबादी ओवैसी को यूपी में ताकत दे। जिस प्रकार ओवैसी ने बिहार में भाजपा की मदद की है, उसी प्रकार यूपी में भी मदद करेंगे और बंगाल में भी मदद करेंगे। बड़ी मेहरबानी, उनको भगवान ताकत दे, ऊपर वाला खुदा उनका साथ दे। उन्होंने बिहार में भी हमारा सहयोग किया था, यूपी में भी करेंगे और बाद में पश्चिम बंगाल में भी करेंगे। भाजपा के मन की बात आज साक्षी महाराज बोल गए। दरअसल भाजपा सत्ता पाने के लिए ओवैसी को फंडिंग कर रही है और देश को नया जिन्ना देकर देश को बर्बाद करने में लगी है। सत्ता के लिए भाजपा देश को खतरे में डाल रही है। दरअसल हैदराबादी ओवैसी भाजपा की भी टीम है और अमित शाह के इशारे पर काम कर रही है। मजा आ रहा है ना, अब 399 रुपये का रिचार्ज 599 रुपये में, 60 रुपये का पेट्रोल 92 रुपये में, 200 रुपये का TV रिचार्ज 450 रुपये में, 400 रुपये का सिलेंडर 800 रुपये में, 3 रुपये का प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपये में, और जोर से चिल्लाओ आएगा तो मोदी ही। जो कमा रहे हैं घर में उनसे पूछे परिवार कैसे चल रहा है। किसानों का समर्थन करने के लिए आपका किसान होना जरूरी नहीं, बस इंसान होना ही काफी है। हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर अपने होम डिस्ट्रिक्ट करनाल में कार्यक्रम नहीं कर पाए, किसान का विरोध भारी पड़ा। जिस प्रकार सरकार ने राफेल के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का दामन थामा था, उसी प्रकार सरकार कोर्ट की आड़ में किसानों को मूर्ख बनाना चाह रही है। इतिहास उठाकर देख लो, हर किसान आंदोलन स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है और तानाशाही की हमेशा निंदा हुई है। तानाशाही असलियत बस सत्ता रहते तक छिप जाती है। मीडिया और सरकारी तंत्रों का इस्तेमाल कर आज आप कुछ भी कहें, पर इतिहास इस कड़ाके की ठंड में डटे किसानों की दास्तान जरूर लिखेगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, परेड में एक तरफ टैंक चलेंगे और दूसरी तरफ फैक्टर चलेंगे, वो लाठी चलाएंगे, हम राष्ट्रगान गाएंगे, जय हिंद के नारे लगाते जाएंगे। परेड में शामिल होंगे, राइट साइड में टैंक चलेगा और लेफ्ट साइड में ट्रैक्टर। हाँ, टैंक कैसा टैंक? नहीं, टैंक जो परेड में चलता है बराबर बराबर चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने किसान कानूनों के लिए जो सरकार पसंद कमेटी बनाई है, वो 10 दिन में काम शुरू करेगी, 2 महीने में रिपोर्ट देगी। अगली सुनवाई 8 हफ्ते बाद होगी। मोटा मोटा ये मान लीजिए कि किसानों को 2 महीने और बैठने का अप्रत्यक्ष संदेश मिल गया है। समिति नहीं समाधान चाहिए, तीनों बिल निरस्त हो और MSP लीगल हो, ये प्रावधान चाहिए। सलवार पहनकर भागने वाले क्रांतिकारी थे और अपने हक के लिए कड़ाके की ठंड में डटे हुए किसान आतंकवादी हो गए। दिल्ली से अरविंद शर्मा के उत्तर प्रदेश आने के बाद साफ हो गया है कि अब लखनऊ एयरपोर्ट नहीं, उत्तर प्रदेश का हर ठेका और पट्टा अदानी को मिलेगा। जब तक उत्तर प्रदेश को पूरी तरह निचोड़ नहीं लेगा, तब तक देश का फकीर अपनी काली करतूतों से बाज नहीं आएगा। आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी से प्रेरित होकर सरकार ने चाटुकार पत्रकारों पर सख्त नजर बनाए रखने के लिए 4 नाम प्रस्तावित किए हैं, अर्णव गोस्वामी, सुधीर चौधरी, अमीश देवगन और रजत शर्मा। ये सभी आदर्श पत्रकारिता के मापदंड स्थापित कर सरकार को एक रिपोर्ट देंगे। अपने दोस्त अदानी के फायदे के लिए सरकार को किसानों की मौतें भी मायने नहीं रखती। आज सरकार किसानों के प्रति तानाशाही रवैया अपना रही है, अब ये सरकार देश के लोकतंत्र के लिए खतरा बनती जा रही है। ये तस्वीर अमेरिका के संसद भवन की है,
दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र का मंदिर जो 200 साल में नहीं हुआ, अमेरिका उन सबसे गुजर रहा है। कैपिटल बिल्डिंग नेशनल गार्ड के हवाले है। 20 जनवरी तक हर कोई आशंकित है, ट्रंप का एतबार नहीं किया जा सकता। FBI को दंगों की आशंका है, अमेरिका की बुनियाद हिल चुकी है। ट्रंप को फिर भी अमेरिका वाले माफ़ कर देंगे, लेकिन ये जो देश का नाक कटाए उनका क्या? किसी एंकर की इतनी हिम्मत है जो हाउडी मोदी नमस्ते ट्रंप और अब की बार ट्रंप सरकार की पुरानी फुटेज चला दें? मोदी जी जब फंसते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को आगे करते हैं, और योगी जी जब फंसते हैं तो SIT जांच करा देते हैं। ऊर्जा मंत्री से जब नहीं संभलता तो STF जांच की सिफारिश कर देते हैं। सरकार जांच जांच खेल रही है और भ्रष्टाचारी मस्त हैं। DHFL घोटाले में कर्मचारियों के हजारों करोड़ डुबाने की रिपोर्ट अब तक नहीं आई है। लगता है सरकार अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाकर गहरी नींद में सो गई है। धरती सुनहरी अंबर नीला हर बाबा रंगीला, धरती सुनहरी अंबर नीला हर बाबा रंगीला, ऐसा देश है मेरा। शतरंज का वजीर और इंसान का जमीर मर जाए तो खेल खत्म ही समझो, खेल खत्म ही समझो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।